लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में पीएम मोदी के 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। कुछ मंत्रियों की सीटें फंसी हुई दिखाई दे रही हैं, तो कुछ एकतरफा जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस चरण में 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत का फैसला होना है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन 8 मंत्रियों के सीटों के बारे में और वहाँ का समीकरण क्या है। पहले चरण में इन नेताओं की किस्मत पर होना है फैसला। मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की अग्नि परीक्षा पहले चरण में होनी है। इनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल जैसे मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा भी कई पार्टियों के दिग्गज नेताओं पर नजर टिकी हुई है। राजनीतिक दलों के नजरिए से देखें तो पहले चरण में बसपा के 86, बीजेपी के 77, कांग्रेस के 56, AIADMK के 36, DMK के 22, TMC के 5, RJD के 4, सपा के 7, RLD के 1, LJP रामविलास के 1 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम से 1 उम्मीदवार मैदान में है। नितिन गडकरी। मोदी के 8 मंत्रियों में सबसे बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का है। गडकरी तीसरी बार नागपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। 2 बार लगातार इस सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। ये सीट RSS और नितिन गडकरी का गढ़ माना जाता है। गडकरी के खिलाफ कांग्रेस से विकास ठाकरे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में गडकरी ने पहली बार 7 बार के सांसद रहे विलास मुत्तेमावर को 284,000 वोटों से हराया था। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नाना पटोले के 216,000 वोट से हराया था। इस बार वो नागपुर के जीत की हैट्रिक लगाने के मूड से उतरे हैं, लेकिन विपक्षी ने संयुक्त रूप से विकास ठाकरे को वहां अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि यहां से नितिन गडकरी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका दावा है कि वह करीब 5,00,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे। भूपेंद्र यादव। राजस्थान की अलवर सीट चर्चा में बना हुआ है। इसके पीछे वजह है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव की पहचान बीजेपी के रणनीतिकार के रूप में है, जो ज्यादातर पर्दे के पीछे रहकर पार्टी की मदद करते हैं। मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें अलवर से चुनावी मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के विधायक ललित यादव को मैदान में उतारा है। ये सीट यादव और मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि भूपेंद्र यादव की ये सीट फंसी हुई है। यही नहीं, अलवर लोकसभा सीट 2019 के चुनाव में बाबा बालकनाथ ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी और अब टिकट कटने से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भूपेंद्र यादव को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संजीव बालियान। संजीव बालियान जाट समुदाय से आते हैं और जाट बाहुल्य लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन इस बार इनकी सीट फंसी हुई नजर आ रही है। बलियान के खिलाफ सपा से जाट नेता हरेंद्र मलिक और बसपा से दारा सिंह प्रजापति मैदान में है। इस बार हरेंद्र मलिक और प्रजापति के उतरने से चुनावी लड़ाई रोचक हो गई है। मुजफ्फरनगर में ठाकुर मतदाता नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं जाट वोटों में बिखराव भी उनके लिए चुनौती बना हुआ है। तो वहीं मुस्लिम वोटर सपा के साथ एकजुट है। इसके अलावा बीजेपी नेता संगीत सोम की नाराजगी भी इनको झेलनी पड़ रही है। ऐसे में बलियान की राह आसान नहीं है। किरण रिजिजू। अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चुनावी मैदान में है। किरण रिजिजू 2004 से 3 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं और 4थी बार जीत के लिए मैदान में उतरे हैं। रिजिजू का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष नवाम तुकी से है। इसके चलते माना जा रहा है कि रिजिजू को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिसकी वजह से ये सीट भी उनकी फंस सकती है। सर्बानंद सोनोवाल। असम की डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने इस बार केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तली की जगह सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से मैदान में उतारा है। कांग्रेस से मनोज धनोआ चुनावी मैदान में उतरे हैं। पिछली बार यहां से बीजेपी प्रत्याशी ने करीब 2,50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। इस वजह से सर्बानंद सोनोवाल की यह सीट सेफ मानी जा रही है। जितेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेताओं में शुमार और मोदी सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह उधमपुर लोकसभा सीट से दांव ठोक रहे हैं। इस सीट से वह लगातार 2014 और 2019 में जीत दर्ज कर चुके हैं और अब तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जितेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वो जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं कि नहीं। फिलहाल यहां पर एक तरफा चुनावी माहौल बताया जा रहा है। एल मुर्गन। तमिलनाडु की नीलगिरी लोकसभा सीट पर मोदी सरकार के मंत्री और मनमोहन सरकार के रह चुके मंत्री के बीच मुकाबला है। डीएमके के पूर्व मंत्री ए राजा चुनावी मैदान में है, तो वहीं उनके खिलाफ बीजेपी ने मोदी सरकार में मंत्री एल मुर्गन को उतारा है। ए राजा इस सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जबकि मुर्गन पहली बार नीलगिरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहां की सीट भी बीजेपी के लिए फंसी हुई है। तो ये थी पीएम मोदी के मंत्रियों के चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।